भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव फिर रुख कर रहे हैं आजमगढ़ का, और अब आप ये जानना चाहते होंगे वो आजमगढ़ जा क्यों रहे। वैसे इन दिनों दिनेश लाल यादव निरहुआ लखनऊ में है। जी हाँ, अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, वहां पर वो अंजना सिंह के साथ अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। लेकिन तो भाई आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपने चुनावी प्रचार में बहुत सारे वादे किए थे और उन वादों को अब वो पूरा करना चाहते हैं। भाई अगर उन्हें अगली बार का लोकसभा चुनाव जीतना है तो इस बार से ही तो मेहनत करनी पड़ेगी। 15 जून को दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ जा रहे हैं और आजमगढ़ में ही वो विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे और उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आएंगे। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार में दिनेश लाल यादव निरहुआ से कहा था कि जब इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन होगा तो यहाँ वो जरूर आएंगे, और 15 जून को इसका उद्घाटन होने वाला है। तो योगी आदित्यनाथ संग दिनेश लाल यादव निरहुआ भी जाएंगे। भाई अब तो वो उनका संसदीय क्षेत्र है और वहां उनको जमकर अभी 5 साल काम करना है, इसलिए दिनेश लाल यादव निरहुआ सोच रहे हैं कि क्यों नहीं एक घर आजमगढ़ में भी बसा लिया जाए। वैसे आपको यहां बता दें कि अपनी शूटिंग शुरू होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने गए थे दिनेश लाल यादव निरहुआ और उन्होंने ये बताया कि वो शूटिंग तो करते रहेंगे, यानी कि फिल्मों में काम करते रहेंगे, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र वो लगातार आते जाते रहेंगे, वहाँ की समस्याओं का समाधान करते रहेंगे, क्योंकि आने वाले 5 साल बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ अपना नेक्स्ट करियर राजनेता के रूप में ही देखना चाहते हैं। यहाँ पर एक और इंटरव्यू के दौरान दिनेश लाल यादव निरहुआ ने दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा जब वो अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे थे, जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म चलत मुसाफिर मोह लियो रे साइन की थी, तब उन्होंने गोरखपुर आकर सीएम योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद लिया था और अब वो जो दूसरी पारी खेलने जा रहे हैं, फिर से अपनी शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं, तब वो सीएम योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद लेना भी नहीं भूलना चाहते। वो चाहते हैं कि जैसे ही लकी उनके लिए योगी आदित्यनाथ रहे हैं, आगे के करियर में भी निरहुआ के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ इसी तरह से लकी रहे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना।